जय भारत मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन अप ट्यूटोरियल में, जहां पर आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए विषय पर ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी सेशन में मैं आशीष बाके आपके लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स को लेकर के आया हूं। तो उसी कड़ी में हम लोग का जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है एलसीएम एससीएफ, और उसी एलसीएम एससीएफ के कुछ पार्ट्स हम लोग ने बना चुके हैं। जैसे पहले पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट को समझा, ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले पार्ट में हमने संख्यात्मक रूप से कैसे क्वेश्चन बनते हैं सीधे एज इट इज, उस चीज को हमने समझा कि भाई एलसीएम या एससीएफ पूछ लिया जाए तो कैसे। फिर हमने तीसरे वाले पार्ट में हमने समझा कि एलसीएम और एससीएफ के बीच संबंध और उनके फॉर्मूलाज बेस पे क्वेश्चन को समझा। एक और बहुत महत्वपूर्ण टाइप बचता है जो कि मेंस लेवल पे एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस को कवर करता है, तो उन क्वेश्चंस को मैं आज के वीडियो में लेकर के आया हूं जो कि बहुत ज्यादा भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम उन्हीं क्वेश्चंस की तरफ। देखा मैंने सबसे पहले कि भाई पहला क्वेश्चन मुझे किस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 5 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, ठीक है, बट वे क्या करती हैं, क्रमशः 2 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड, 12 सेकंड और 15 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, ठीक है। मतलब एक बार बज जाएगी, जैसे पहली वाली घंटी हुआ, एक बार बज जाएगी, फिर अगली बार कब बजेगी, 2 सेकंड के बाद, ये 4 सेकंड के बाद, ये 8 के बाद, ये 12 के बाद और 15 के बाद, ठीक है, ये बजना प्रारंभ बजती है। तो क्या बोल रहा है कि वो तब क्या कीजिए, तब क्या आपको दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वे अगली बार कितने समय बाद एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगे, इस चीज को निकालने के लिए हमें एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी, क्या कि वह यदि साथ में बजने की बात है तो हम सबसे पहले उस घंटी को लेंगे जो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, ठीक है। तो मैंने मान लिया भैया क्या कि 2, 4, 8, 12 और 15, ठीक है। अब इस घंटी की हम लोग बात करें, ठीक है, इस घंटी की हम लोग बात करेंगे कि भैया सबसे पहले कब बजी है, 1 सेकंड, मतलब पहली बार बजेगी, उसके बाद सीधे कब बजेगी, 15 सेकंड के बाद बजेगी, ठीक है। तो इस बीच में इनमें से कोई भी घंटी बजेगी क्या, बहुत सारी घंटियां बज जाएंगी लेकिन ये वाली जो घंटी है वो नहीं बजेगी, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू आएगी, मतलब जो कि हमारा आंसर आएगा, वो इसके बीच में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। क्या हो सकता है, मैक्सिमम 15। तो एक चीज यहां से क्लियर हो गई कि हम लोग इन घंटियों के अंतरालों का यदि एलसीएम निकाल लिया जाए तो क्या हो जाएगा कि भैया उन सभी घंटियां जब एक साथ बजेगी उस हिसाब से होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे हमने मैक्सिमम संख्या की बात की है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो कि बाकी संख्याओं से क्या हो जाए, पूरी तरह डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 15 को हम लोग लेकर के चले सबसे पहले। तो मैंने देखा कि 15 जो है, या 15 है, 15 से कोई भी डिवाइड हो रहा है क्या, तो नहीं हो रहा, ठीक है, कोई भी संख्या डिवाइड नहीं हो रही, केवल 15 ही डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब मैंने 15 का अगला गुणज उठाया, 15 का अगला गुणज उठाता हूं मैं, 15 नहीं 30, ठीक है। तो 30 से ये तो हो रहा है, 30 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 4 नहीं कर रहा है, 8 नहीं कर रहा है, 12 नहीं कर रहा है, 15 कर ही रहा है, ठीक है। तो 30 भी नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसी संख्या लेनी है जो कि 5 से पूरी तरह डिवाइड हो। पिछले सेशन में मैं अगले गया तो मैंने क्या दिखा कि अगला गुणज क्या है, 45 है। 45 से भी क्या हो रहा है कि 45 से कोई केवल 15 ही जो रहा है वो सबको डिवाइड कर पा रहा है 45 को, बाकी किसी भी के द्वारा डिवाइड नहीं हो रही है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हमने 60 लिया, ठीक है, 60 ऐसी संख्या है जिसमें हमने 2 से डिवाइड किया चला गया, 4 से भी चला गया, 8 से नहीं जाएगा, 12 से चला जाएगा और 15 से भी चला जाएगा, ठीक है, मतलब 60 भी नहीं ले सकते हम लोग। तो अब हमारे पास क्या बचता है, ठीक है, अब 60 के बाद हमने इसी तरह से इसी गुणजों को आगे लेके गया तो मेरा जब एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा, 120 निकलेगा, ठीक है, जिसमें क्या जा रहा है, 2 से भी जा रहा है भाग, 4 से भी जा रहा है, 8 से भी जा रहा है, 12 से और 15 से जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग 120 सेकंड को इस तरह से मान लें कि भाई अगली बार, पहली बार यदि कब बजे स्टार्टिंग में, तो अगली बार कब बजेगी, सीधे 120 सेकंड के बाद एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं हमारा 120 सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। तो हम लोग क्या करें, डायरेक्ट एलसीएम निकाल लें और उसका आंसर निकाल लें, ठीक है। वैसे हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वे 2 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, वे 2 घंटे में एक साथ कितनी बार एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो वे 2 घंटे में कैसे निकालेंगे हम लोग, कि भाई एक बार बजती है, ठीक है, एक बार एक साथ बजेगी, फिर कब बजेंगे, अगली बार में साथ में, 120 सेकंड के बाद, ठीक है। अब 120 सेकंड की बात करी जाए और इसको मिनट में चेंज किया जाए, ठीक है, सबसे पहले मिनट में चेंज करो इसको, तो मिनट में चेंज किया मैंने, तो क्या करूंगा मैं मिनट में चेंज करने के लिए, 60 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, 60 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया कि अब 2 मिनट है, ठीक है, मतलब यदि वो 7 में बजेंगे तो 2 मिनट बाद बजेंगे, क्लियर हो गई बात। अब वो 2 घंटे की बात कर रहा है, तो 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 120 मिनट होते हैं, ठीक है, 120 मिनट होते हैं। प्रत्येक 2 मिनट में एक बार बज रही है तो 120 मिनट में कितनी बार बजेगी, यदि प्रत्येक 2 मिनट में कितनी बार बज रही है, 120 में प्रत्येक 2 मिनट में कितनी बार बज रही है, 120 बार, सॉरी माफ कीजिएगा,
दो घंटे में क्या बोल रहा है कि 120 मिनट होते हैं, ठीक है, प्रत्येक दो मिनट में एक बार बजती है, तो हम क्या करेंगे इस 120 में इस दो का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा कि वह कितनी बार बज जाएगी, 60 बार बज जाएगी। लेकिन क्या ये आंसर होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है पांच घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है, ठीक है, तो एक साथ बजना प्रारंभ करती है मतलब पहली बार एक बार और बज चुकी होगी, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें एक को तो जोड़ दें तो हमारा 61 आंसर हो जाएगा। स्टार्टिंग में एक बार बजी, उसके बाद क्या दो घंटे में कितनी बार बजी, 60 बार, तो वो 60 और पहले का एक मिला करके यहाँ पे 61 हमारा आंसर आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दो घंटे में कितनी बार बजेंगे, एक साथ 61 बार। क्लियर हो गया दोस्तों? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि भाई तीन सड़कों के किनारे पर तीन रंग की लाइटें, ठीक है, अब तीन रंग की लाइटें हैं वो 24, 36 और 54 सेकंड के पश्चात रंग परिवर्तित करती हैं, ठीक है, यदि वे 10:15 बजे एक साथ जलती हैं पहली बार, तो अगली बार वे एक साथ कब जलेंगी, ठीक है, तो हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है। हमें यहाँ पर जिसे समय नहीं दिया गया था, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि समय अंतराल कितना होगा, वैसे ही हमें क्या करना है यहाँ पे समय दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे वही चीज करेंगे, हम लेंगे 24, ठीक है, हम लेंगे फिर 36, फिर लेंगे हम लोग क्या 54, ठीक है, तो मैंने ध्यान दिया भैया कि हम क्या करें इसका एलसीएम निकाल लें, वैसे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही कि भाई 24, 36 और 54 सेकंड के बाद रंग परिवर्तित कर रही है, तो अगली बार भी सेम कलर कब लेके आएंगे, अगली बार एक साथ वे कब चलेंगे, इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो हमने क्या किया सबसे पहले बड़ी संख्या को देखा, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो हमने 54 में किसका भाग जा रहा है, 36 का जा रहा है ना 24 का जा रहा है, तो 54 एलसीएम हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। 54 का हमने दोगुना किया 108, ठीक है, तो 36 से तो जाएगा लेकिन 24 से जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि 24 आठ ही यदि करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 × 32 = 16, ठीक है, मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग कि इसमें तीन गुना कर लेंगे या चार गुना कर लेते, हमने वहां तक करते करते हमने क्या किया इसका चार गुना किया, कहेगा 54 का चार गुना किया 216 हो गया, ठीक है, इसमें 24 से भी भाग चला जाएगा, 24 से कितनी बार में जाएगा 9 बार में जाएगा, ठीक है, 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 36 से 6 बार में चला जाएगा, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ये भी कर रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे 216 जो निकला वो क्या निकला हमारा एलसीएम निकल गया, ठीक है, अब एलसीएम 216 निकल गया, तो यहाँ पे बात की थी किसकी कर रहे थे वो लोग सेकंड की बात कर रहे थे, तो मैं कह दूं कि भैया 216 सेकंड की बात क्या हो जाएगा वो एक साथ अगली बार एक साथ जलेगी, ठीक है, अब 216 सेकंड की बात कर रहा है तो मैं क्या करूं यहाँ पे मिनट की बात कर रहा था वो 10:15, तो एक काम करता था उसको मिनट में बदल लूं मैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया 216 डिवाइडेड बाय क्या किया 60 कर दिया, ठीक है, अब यहाँ से जीरो को हटा दिया जाए और ऊपर एक दशमलव का तो कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है, फिर मैंने क्या किया 6 से इसको डिवाइड किया तो कितना निकल जाएगा 3.6 निकल जाएगा, ठीक है, अब 3.6 निकलेगा मतलब कि 3 मिनट और 0.6 जो है इसको चेंज करना है, तो एक बात बताइए कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, ठीक है, 0.6 की बात करेंगे तो हम क्या करूंगा 60 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 36 सेकंड हो जाएगा हमारे लिए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 36 सेकंड, क्लियर हो गया, ये सारी चीजें आपको और भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी ये आप खुद से करके देखोगे तो 3 मिनट 36 सेकंड के बाद, ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया 10:15 की बात थी उसमें मैंने 3 मिनट 36 सेकंड जोड़ दिया तो अब कितना हो जाएगा 10:18 और 36 सेकंड, तो ये आपका आंसर आ गया कि अगली बार रंग परिवर्तित कब करेंगी, ठीक है, इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है चार अंगों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 12, 15, 18, 27 और 54 से विभाजित किया जा सके वो संख्या क्या होगी, ठीक है, तो हम लोग ने इसके लिए दो मेथड देखी, सबसे पहली बात तो दो मेथड देखने वाले हैं, पहली मेथड होगी जिससे हम लोग क्या करेंगे पूरी स्टेप बाय स्टेप को सॉल्व करेंगे, और एक है मेथड जिसमें हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से करना सीखेंगे, ठीक है, तो दोनों चीजें हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई ऑप्शन जो हम लोग को दिए हुए हैं किस तरह से दिए हुए हैं, एक तो दिया है 9999, 9720, 9240 और 9980, ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को उठाया सबसे पहले, अब क्वेश्चन में हम लोग को 12, 15, 18, 27 और 54 जब इनसे किसी में भाग दिया जाएगा तो सीधी सी बात है कि इन सब पर क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि इनका जब एलसीएम निकलेगा तो एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिसके अंदर इन सभी संख्याओं से क्या चला जाता है भाग चला जाता है, तो हम क्या करेंगे इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम आप किसी भी मेथड से निकाले, हमने 3-4 मेथड्स देखी है, तो मैंने देखा कि भाई 540 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, आई बस हमने अब 540 जब एलसीएम हो जाएगा, अब हमसे हमको 540 तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, और हमसे कहा भी क्या गया है चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या,
ठीक है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि भाई इसका इसका कितना गुना करते जाए हम लोग ताकि ये संख्या आ जाए, क्योंकि कितना भी गुना करे उसमें इन सभी संख्या से तो भाग जाना ही है और चार अंकों की बड़ी संख्या भी लाना है। ठीक है, तो हमने देखा कि 540 है। अब मैं सबसे पहले गया कहां तक, 20 तक गया। ठीक है, अब 20 का मैंने जब गुणा किया इसमें तो 00 तो हम लोग लगा सकते हैं, फिर मैंने इसको क्या किया तो हो जाएगा 10,800, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग 19 से गुणा करके देख लेते हैं। 19 से जब मैंने गुणा किया तो 19 19 चौक 76 की 6 हासिल का 7, 19 पर 95, 95 7 102, यानी कि 10,260, ये भी ज्यादा हो रहा है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ये फाइनल हो गया कि भाई 260 10,000 से ज्यादा हो रहा है, मतलब अगली जो संख्या निकलेगी 18 से मल्टीप्लाई करने पर वो क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी चार अंकों की, जिससे क्या चला जाए इन सभी संख्याओं के द्वारा उसमें भाग चला जाए। तो मैं क्या करूंगा, वही चीज 540 में मैंने किया 18 का मल्टीप्लाई, 18 0 0 18 6 72 की तो हासिल का 7, 18 5 90 और 7 97। तो क्या दोस्तों ये ऑप्शन में दिख रहा है, हमें बिल्कुल दिख रहा है 9720, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बस हमने ये भी पहली जिसके पहली मेथड हुई जिसके द्वारा हमने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम देखते हैं कि बाय ऑप्शन कैसे किया जाए। आपने एक चीज नोटिस की होगी, इन सभी से भाग देने का मतलब एक दूसरे में भी भाग गुणा करके जो संख्या निकलेगी उसमें भाग देना। ठीक है, तो मैंने एक चीज देखी कि भाई ये 18 और 27 54 ये तीन संख्याएं ऐसी हैं जो कि 9 के गुणन है, मतलब 9 के गुणज है। ठीक है, 9 के गुणज है मतलब 9 से इन समय भाग जा रहा है, तो वह संख्या जो निकलेगी वह संख्या में भी क्या जाएगा, 9 से भाग चला जाएगा। तो मैं सबसे पहले देखता हूं 9 का विभाजकता नियम। 9 का विभाजकता नियम ये कहता है कि हम किसी संख्या में यदि 9 का भाग दें तो संख्या के अंकों का योग भी 9 से भागित होना चाहिए, तब वो पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 9 से इसमें भाग दिया, तो 9 से इसमें तो भाग पूरा पूरा चला जा रहा है। ठीक है, अब हमने देखा कि भाई एक संख्या ये हो सकती है, फिर हमने इसमें देखा कि इसमें जाएगा कि 9 से, तो 9 और 2 11, 11 और 4 कितना हो गया 15। ठीक है, तो 15 में 9 से भाग नहीं जाता, मतलब ये संख्या नहीं हो सकती, हमने उसको हटा दिया। ठीक है, फिर 9 दुनी 18, 18 और 8 26, तो इसमें भी नहीं आ रही, तो इसको भी हमने हटा दिया। ठीक है, ये चीज हो गई पहला नियम। अब एक चीज देखिए, हमने किया 12, 18 और 54, तीन ऐसी संख्या है जो कि 2 के गुणज है। ठीक है, मतलब 2 इन सभी संख्या में 2 से भाग जा रहा है, मतलब संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें 2 से भाग जाए। 2 से भाग जाने का नियम क्या बोलता है कि जो संख्या होगी उसका इकाई क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो क्या इसमें सम है क्या, नहीं है, तो हमारा आंसर अपने आप क्या बच गया, 9720। तो आप बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, विद इन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दोनों मेथड बहुत अच्छी है, जैसे जैसे हमने इसमें दोनों मेथड का उपयोग किया वैसे नीचे वाले क्वेश्चन में भी करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पे बड़ी की बात थी या छोटी की बात है, जो 12, 24, 36 और 54 से पूर्णतः विभाजित हो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग मेथड से करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कह दिया भैया, 12, 24, 36 और 54, ये चार संख्याएं ले ली मैंने, मतलब इनसे इन संख्याओं में भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो इनसे भाग जाने के लिए हम क्या बोलेंगे कि इन सभी का एलसीएम ले लिया जाए। ठीक है, वही चीज होगी कि इन सभी का एलसीएम ले लिया गया, यदि आप मेथड से करेंगे तो वो आंसर आएगा 216 आएगा। ठीक है, अब 216 जो एलसीएम है वो आपको निकाल के आता है, कैसे निकालेंगे, अब वह जो संख्या होगी उसमें 216 से भी भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखा, तो 16 5 80 और 5 2 10, यानी कि हम बोल सकते हैं 1080 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1080। ये हो गया आपकी मेथड से करने का तरीका, ये भी कुछ ज्यादा समय नहीं लेता है, कुछ ही सेकंड में ये भी हो जाएगा, और बाय ऑप्शन से करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, दिमाग यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाय ऑप्शन देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं वो। बाय ऑप्शन देखा हमने कि भाई इनमें तो क्या हो रहा है, एक ही नियम हम लग कौन सा लग रहा है, ये 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, और एक और चीज देखिए कि चारों संख्या 3 से विभाजित है, मतलब 3 का गुणज है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इनमें 3 का विभाजकता नियम लगा देते हैं ऑप्शंस में। ठीक है, तो 3 का विभाजकता नियम इसमें लगाया, विभाजकता नियम होता क्या है 3 का, कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वो क्या हो जाएगी, 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखा मैंने 1, तो ये पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, इसमें देखा 1 और 1 2, तो ये भी पॉसिबल नहीं। फिर 4 और 2 6 और 1 7, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब बचा क्या हमारे पास, 1080। तो ये आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। ठीक है, तो हमने जैसे कि पिछले 2 क्वेश्चंस देखे उसमें क्वेश्चन थे कि भाई जहां पर कुछ भी शेष नहीं बच रहा था, क्या हो रहा था, जहां पर कुछ भी शेष नहीं बच रहा था, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, 2 शेष बच रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, हम इन सभी संख्याओं का सबसे पहले एलसीएम निकाल लें। ठीक है, एलसीएम निकालने का फायदा क्या होगा उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। 2, 6, 8,
12 और 16, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम निकाल लिया। तो इन सभी का एलसीएम भी आप निकालेंगे तो 48 आएगा। कितना आएगा, जैसे भी आप लोग निकालेंगे अपने तीन चार विधि अपन ने समझा चुके हैं, ठीक है। वैसे अपन ने एलसीएम निकाला तो एलसीएम कितना आया, 48 आया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं मुझसे कि दो शेष बच रहा है, तो एक काम कर लो कि वह संख्या क्या होगी, दो शेष बच रहा है मतलब वह संख्या क्या होगी, दो अधिक होगी कि नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो इसमें यदि दो जोड़ दूं तो 50 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ऑप्शन की तरफ देखा कि क्या ऐसी छोटी से छोटी संख्या इसमें दिख रही है, ठीक है, जो कि 50 को डिनोट कर रही हो, तो बिल्कुल दिख रही है, मतलब तीसरा नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यदि बाय ऑप्शन से करना है तो इसके लिए आप क्या करो, सब में दो दो क्या कर लो, सबसे दो दो क्या कर लो, कम कर लो, ठीक है। अब सबसे दो दो कम करने के बाद इसका एलसीएम जो हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें दो कम किया हमने तो 48 बचेगा, और 48 हमारा आंसर हो जाएगा, तो हमारा तीसरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। वैसे ही हमने अगले क्वेश्चन को देखा, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अच्छा, अभी तक हमने जो तीन क्वेश्चन किए वो एलसीएम बेस्ड थे, ठीक है। अब है एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एक ही ऐसा क्वेश्चन डाला है जिसमें एचसीएफ को भी कवर किया मैंने और अलग अलग शेषफलों को भी कवर किया, जिसके क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 37, 58, 69, ठीक है, 37, 58 और 69 में भाग देने पर, ठीक है, वहां हमने क्या था, इससे भाग देने पर था, यहाँ पे क्या है, इस में भाग देने पर की बात चल रही है, ठीक है। भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचता है तो संख्या क्या होगी, ठीक है। तो हमें सीधी सी बात है भैया कि हम क्या कर रहे हैं, इनमें भाग देने की बात चल रही है, ठीक है। तो संख्या क्या निकालनी होगी, वो इनसे छोटी होगी, तो इनसे छोटी होगी मतलब क्या होगा, इन सभी का एचसीएफ होगा। बट एक सिचुएशन आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया है हमारे को, 37, 58 और 69, मतलब वह संख्या इन सभी को तो क्या करेगी, पूरा पूरा डिवाइड नहीं करेगी, हमारे साथ शेषफल बचाएगी। तो हम एक काम कर लेते हैं, जो शेषफल दिए हुए हैं उनको क्रमशः क्या कर लें, इनमें से कम कर लें, तो जो संख्या निकलेगी वो उन इन तीनों संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड कर पाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हमने दो कम कर लिया, इसमें से तीन कर लिया, इसमें से चार कर लिया, ठीक है। तो तीन संख्या मिल जाएगी हमें, एक मिल गई हमें 35, एक मिल गई हमें 55 और एक संख्या मिल गई हमें कितनी, 65, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं, हम क्या कर लें, इन सभी का एचसीएफ निकाल लें, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इस संख्या को देखेंगे, सबसे छोटी संख्या को, ठीक है। ये 35 से क्या है, सब डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो इसका अगला गुणज क्या होगा, इसका अगला गुणज 35 के अलावा क्या है, तो अपन ने देख लिया कि भाई 7 है, ठीक है, तो 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो 7 भी हो सकता है। हमने क्या लिया, 5, तो 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो 5 हमारा क्या निकल गया दोस्तों, एचसीएफ निकल गया, ठीक है। तो 5 हमारा क्या सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाय ऑप्शन भी करना चाहे तो भी कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं आप, वही चीज है कि भाई इनमें क्या करें, सब में 2, 3, 4 तो कम करना है जैसा अपन यहाँ किया था, और एचसीएफ न निकालने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, इन सभी से अलग अलग डिवाइड करके देखें, ठीक है। तो जिससे पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हम लोग ने प्रीवियस वाले अपने चैप्टर्स में भी डाले हैं, प्रीवियस वाले लेक्चर्स में भी डाले हैं, वैसे ही आज डाले हैं। तो आज के लिए और इस चैप्टर के लिए मुझे लगता है कि इतनी चीजें आपके लिए काफी होंगी, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग नए नए टॉपिक्स लेकर के आएंगे। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, आपको इन टॉपिक्स में जो भी पढ़ाया गया है इनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारे साथ बने रहिए आपके अपने चैनल एजुकेशन ऑफ ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।